जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के एक बहुत ही खूबसूरत शहर पानीपत के बारे में, जो राज्य के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं पानीपत शहर के एक शानदार सफर पर। तो सबसे पहले आपको बता दें, हरियाणा राज्य में स्थित पानीपत शहर यहाँ की कैपिटल चंडीगढ़ से 161 किलोमीटर, पटियाला से 140 किलोमीटर, हरिद्वार से 170 किलोमीटर, फरीदाबाद से 110 किलोमीटर, नोएडा से 120 किलोमीटर और भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, जिसे सिटी ऑफ बीवर्स यानी बुनकरों का शहर और टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग यहाँ के तीन ऐतिहासिक धमाकेदार बैटल के बारे में तो जानते ही होंगे, जिस वजह से इस शहर को हिस्टोरिकल सिटी इन इंडिया और द बैटल सिटी भी कहा जाता है। साथ ही गाइस, इस शहर के बारे में एक खराब बात यह है कि ये राज्य के सबसे पॉल्यूटेड शहरों में से एक है। पानीपत शहर की टोटल पॉपुलेशन लगभग 5,90,000 के आसपास है, जिस वजह से ये शहर हरियाणा का तीसरा और भारत का 154वां सबसे घनी आबादी वाला शहर भी है। अगर सेक्स रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पर प्रत्येक 100 लड़कों पर 86 लड़कियाँ हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी अपने शहर से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस शहर के ज्यादातर लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन में 89% लोग हिंदू, 7% लोग मुस्लिम, 2% लोग सिख और 2% लोग अन्य धर्म को मानते हैं। इसके अलावा फेमस पर्सनैलिटी नीरज चोपड़ा और आशीष कौर का जन्म इसी शहर में हुआ है। अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो पानीपत शहर का लिटरेसी रेट 75% है, यानी कि यहाँ के 75% लोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं, जिसमें मेल लिटरेसी 83% और फीमेल लिटरेसी रेट 67% है। दोस्तों, इस शहर के गाड़ियों पर आपको HR06 नाम की नंबर प्लेट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ का व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर HR06 है। अगर एरिया की बात की जाए तो पानीपत शहर 1750 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है, जिस वजह से ये शहर हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, पानीपत शहर की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा हिंदी भाषा को दिया गया है, यानी कि यहाँ के ज्यादातर सभी लोग आम बोलचाल में हिंदी भाषा के साथ साथ हरियाणवी भाषा भी बोलते हैं। अगर टूरिज्म की बात की जाए तो पानीपत शहर में घूमने की मुख्य जगहों में श्री देवी मंदिर, पानीपत बैटलफील्ड मेमोरियल, पानीपत म्यूजियम, दरगाह हजरत बू अली शाह कलंदर, फन सिटी मॉल आदि जगह शामिल हैं। अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो पानीपत शहर रोडवेज के साथ साथ रेलवे से भी कनेक्टेड है। इसके अलावा यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।